और ईद मिलादुन नबी वो ईद है जो उनकी नबी आसमान नहीं पैदा हुआ बल्कि उस दिन इस दुनिया में रहमत लिल आलमीन के हाजिर कैसे हाजिर हुए कैसे हाजिर हुए जो जैसा है वैसे ही कहेंगे बच्चा बच्चों को तरह कहेगा जवान जवानों को तरह कहेंगे और बूढ़ा बूढ़ों को तरह कहेंगे खुदा की जात से मोहम्मद रसूल तारा चमकते हुए खुदा की जात से मोहम्मद रसूल तारा चमकते चमकते इंसान की जात में आकर हाजिर हुए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वो नज भेजा हवा कसम है तारे की जब गिरे कसम है उस रहमत दलील आलमीन की जब अल्लाह की जात से आते आते इंसान की जात में आकर हाजिर हुए इनमें सही मुराद तो ईसा इस्लाम भी इनमें आदम नहीं आए और मिलादुन नबी में मोहम्मद रसूल आए हैं उनका बयान किए हैं जिक्र किए हैं हिदायत दिए हैं वह मुबशिरन बिरसूल ईसा इस्लाम कर रहे हैं वह मुबशिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद और हम बशारत दे रहे हैं कि हमारे बाद एक रसूल आ रहे हैं हमारे बाद एक रसूल आ रहे हैं हमारे बाद एक रसूल आ रहे हैं जिसका नाम अहमद है जिसका नाम अहमद है जिनका नाम मोहम्मद है जिनका नाम रहमत लिल आलमीन है वो अल्लाह का एक नूर है वो ऐसा साहिब है उनको देख लेना ही खुदा को देख लेना है उनकी अताअत कर लेना ही अल्लाह की अताअत कर लेना ही चिंता कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन वो तारा है ये अल्लाह के जात में दिखलाई दे रहे ये तारा तो दुनिया की तारा आसमान में चमकने वाली है और रात ही वो चमकती है दिन में चमक चली जाती है और मोहम्मद वो तारा है जो खुदा के जात में चमक रहे हैं जो खुदा की जात में चमक रहे हैं और अव्वल खुदा की जात में चमक रहे हैं और आखिर देखिए तो इंसानी जात में चमक रहे हैं और हम लोग पढ़ते हैं सुबह सूरत बदन का तफसीर में कुछ कही है वो तफसीर में लिखे वो नहीं कहते
चाहते तो कर सकते थे लेकिन कहे नहीं, इसलिए ज़ाहिरी मुल्क लोग रास्ता टनते पूछ लेंगे, सवाल कर लेंगे, वो कह देंगे उनसे मोहब्बत करने होगा, उनसे मिलन करने होगा, उनके तरीका में आने होगा, उनके स्वागत में बैठने होगा, तब वो बताते रास्ता टनते पूछ रहे हैं, अचानक पहुंचने पर बताइए बस बता देंगे। तो एक बात कहा के हटा दिए, देखो जी जहां जिब्राइल की गुंजाइश नहीं है, जहां जिब्राइल की गुंजाइश नहीं है वहां मूरी में ज्यादा क्या तफसील आप लोग बताएंगे, ये बात कहा के हटा दी यार भाई। ये सूरत नजम का तफसील, ये सूरत नजम का तफसील आखिर में बहुत जमाने बाद, आखिर में बहुत जमाने के बाद खियारा शरीफ ने कहा हमारी साहब आए में और उन्हीं के दरबार में ये तफसील बयान होने वाला है। इतने बयान नहीं किए, ऐसे काम करते साहब के लिए तब से पढ़ूंगा। जात से इंसान की जात में आवे, कसम है उस नबी की जब अल्लाह के हयात से इंसान की हयात में आवे। गिनने से मुराद है आवे का ऊपर से नीचे आवे, खुदा ऊपर है बंदे उसके नीचे है। और मुसल्ला सल्लम एक तारा है जो अल्लाह की जात से चमकते हुए इंसानी हयात में इंसानी जात में आकर हाजिर होता है। ईद मिलादुन नबी का दिन ऐसा उसमें चमक है, इतना चमक है। दाऊद अलैहि सलाम, सुलेमान अलैहि सलाम भी मिलादुन नबी की है, मोहम्मद के मस्जिद में आए, इसलिए जबूत में ये खबर था, जबूत में ये खबर था। मोहम्मद आ गए 12 रबीउल अव्वल में, मोहम्मद आ गए 12वीं शरीफ में, मोहम्मद दुनिया में आकर हाजिर हो जाएंगे और दुनिया रोशन हो जाएगा, मोमिनों का ईमान जिंदा हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद के मरने से खबर पहुंची जाए, मोहम्मद रसूल आएंगे, ये जबूर में पढ़ने पढ़ी। मोहम्मद दुनिया में आएंगे, दाऊद अलैहि सलाम जबूर में लगे पढ़ने, वाते ना दाऊद जबूरा, वाते ना दाऊद जबूरा, वाते ना दाऊद जबूरा, दिया था हमने दाऊद को जबूर, इसमें मोहम्मद आने का भी खबर। दाऊद अलैहि सलाम जबूर एक दिन पढ़ रहे थे, मुहम्मद सल्लम आए गए, ये खबर लगे पढ़ने, अल्लाह का रोने लगे, अल्लाह का रोने लगे। हम में शादी किया, हमारा 99 बीवी है, मरा जाती है, हमारा 99 बीवी है, हमारा 99 बीवी है, लेकिन एक भी औलाद नहीं है, हम भी औलाद है, हमारा वारिस कौन होगा, हमारे ऐसा बिल्कुल हूबहू हमारे मिस्र हमारे ऐसा जयपुर बोलने वाला कौन होगा हमारे पास, हम दुनिया से पर्दा हो जाएंगे जब जयपुर में आम बंद हो जाएगा, जयपुर का बोलना बंद हो जाएगा, जयपुर की आवाज बंद हो जाएगा, जयपुर की हिदायत बंद हो जाएगा, क्या यही होगा। हमारा आवाज नहीं हुआ, एक शादी किया फिर नहीं हुआ, फिर एक शादी किया, ऐसे ही होते होते 99 शादी हम कर चुके, फिर भी एक भी औलाद नहीं हुआ। जबूरी ही जमीन पर हदायत किया, मन्नत मानी,
मरने पाए दाऊद मरने पाए और मरने को पूरा किए, मरने को मान भी नहीं दिए और मरने को पूरा भी कर दिए। वल्लदीना यूफूना बिन नजरे आप जो लोग मन्नत करते हैं, नजर करते हैं, मन्नत करते हैं, जो लोग पूरा करते हैं अपने मन्नत को, आओ साबुना साबुन और खौफ भी करते हैं कि ऐसा ना हो कि आखिरत में हम मन्नत पूरा न करें, आखिरत में ये हसर के मैदान में जाहिर हो जाए तो बहुत शर्मिंदगी होगा, बहुत बुराई पड़ जाए, बहुत नुकसान में पड़ जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम की मांग मंत्री ये मांगने होगा किसके नाम पर, जो अपने से छोटा है उनके नाम में नहीं, ऐसे मंदिर मानने कोई नियम नहीं है, कोई तरीका नहीं। मंदिर मानने होगा जो हमसे बड़ा, जो हमसे बड़ा उसके नाम पर मंदिर मांगने होगा। तो दाऊद अली सलाम किसके नाम में मंदिर मांगे, सब रसूल देख रही है, सब नबी दे रही किसी में लाल फल को मांग रहा हाजिर की तो सवेरे लाल फल को नहीं फर्क जानते हम, आओ मैं आदिम दरमियान किसी के मीरों से कोई रसूल से कोई नबी से, तब नबी रसूल को फर्क नहीं जानते और न जानना चाहिए। तो किसके नाम में मंत्री माने, तो दाऊद अली सलाम मोहम्मद रसूल के नाम में मंत्री माने, वही पड़े, वही पड़े हैं, वही बड़े साहब हैं, वो सब बड़ों का बड़ा है, वो सब हादियों का हादी है, वो सब रहनुमा का, वो सब रहनुमा का रहनुमा है, वो उम्मतों का भी नबी है और नबियों का भी नबी है और सब बड़ों का वो बड़ा है। दाऊद अलैहि सलाम मुहम्मद रसूल के नाम पर मंत्री माने, क्या हमको औलाद दे दे तो हम मुहम्मद रसूल के नाम ले रहे हैं, उनका जिक्र करेंगे, उनका मजलिस मुकर्रर करेंगे, उनका मजलिस में बहुत देर हम खाना बनाएंगे और आम तरीका से अल्लाह के बंदों को खिलाएंगे। ये क्या है मुहम्मद के नाम में मंत्री मान लेना, उनका मजलिस करना, उनके मजलिस में लोगों को खाना खिलाना, ये भी अल्लाह का फजल है। दिया हमने दाऊद को अपनी तरफ से खजर मुहम्मद और अलबत्ता तहकीक, दिया हमने दाऊद को अपनी तरफ से खजर, ये अल्लाह खजर दिया, ये भी अल्लाह ने खजर मंत्री मान लिए, मंत्री को पूरा भी किए। मिलादुन नबी मनाए, मोहम्मद रसूल का मजलिस मनाए, मुकर्रर किए मनाए और बहुत देर जमा किए, इकट्ठा किए और देवों में खाना पकाए, आम खास सभी को दावत दे दिए, आइए हमारी मंत्री है और आपके मंत्री है मोहम्मद रहमत लिल आलमीन के नाम पर हमने मंत्री माना है, ये मोहम्मद की मजलिस है। मोहम्मद के मस्जिद लोग दाऊद अलैहि सलाम मना रहे हैं और लोगों को मोहम्मद के नाम पर खिला रहे हैं, वजह फारेन और बराबर लगन में खाना रखा हुआ है और कल जवाब है जो एक लगन मानिंग तालाब के है और वकुदूरी रास है और दे रहे हैं एक जगह घड़ी रहने वाली, उस देश से खाना निकाल रहे हैं और रहमत लिल आलमीन के नाम में खिला रहे हैं। मंत्री पूरा कर दिया, अल्लाह को दे दिया, खुदा उनको औलाद दे दिया है, दे दिया अल्लाह उनका औलाद, दुनिया में उनका औलाद पैदा हो गया, सुलेमान अलैहि सलाम, सुलेमान अलैहि सलाम पैदा हुए,
और पैगंबर ही अल्लाह और उनको औला दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर है तो उनकी औलाद भी पैगंबर है। और जैसा दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म था अल्लाह ने वैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इल्म देकर पैदा किया, वो भी औली आलिम वैसे ही जयपुर बोलने वाला आ गए वाला का। और जैसा दाऊद अलैहिस्सलाम जयपुर बयान करने वाले थे वैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जयपुर बयान करने वाले थे। जो दाऊद अलैहिस्सलाम के मुंह से जयपुर सुने हैं उनको सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुंह से जयपुर सुनने में वही लुत्फ वही मजा हासिल हुआ, वही मजा मिला, वही लुत्फ हासिल हुआ। आप लोग पढ़ते सुबह सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए और आप बेल आइकन भी दबाइए क्योंकि हमारी जो नई नई वीडियो आएगी वो आप तक पहले पहुंच जाएगी। तो गाइस अभी जो हमारे चैनल को आप लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए और आप बेल आइकन भी दबाइए क्योंकि हमारी जो नई नई वीडियो आएगी वो आप तक पहले पहुंच जाएगी।